शिक्षक दिवस है, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक सभा हुई, प्रधानमंत्री जी सभा कर रहे थे, लाखों की भीड़ थी। जब उतर कर वो गैलरी से आए तो उनने देखा कि सभा के पीछे तीन बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। तीनों मुस्कुराने लगे। एक उनके प्रधानमंत्री जी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने स्कूल के दौरान फीस भराई थी उनकी। अगर वो फीस नहीं भरते तो शायद नाम कट जाता और आज ये यहाँ नहीं होते। तो उन्हें लगा कि मेरे चरण जरूर छुएंगे। एक उनके दोस्त थे जो इन किताबें देते थे साथ में, जिनके साथ वो पढ़ते थे। लेकिन दोनों देखते रहे और उनने देखा कि एक फटे कपड़े पहने एक बुजुर्ग है जो तीसरा बैठा उनके बगल में, जाकर प्रधानमंत्री जी उनके चरण छुए। दोनों आश्चर्य से पूछने लगे कि हमारे एहसान भूल गए, ना तो तुमने हमसे हाथ मिलाया, ना गले लगाया, ना हमारे चरण छुए, और उस व्यक्ति के चरण छुए, ऐसा कौन है वो? तो उसका कहना था कि हाँ, मुझे मालूम है आपके एहसान है, लेकिन आपके एहसानों से बड़ा उनका एहसान है। वो मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर एक पाठ पढ़ाया, हर एक मुश्किल में हमें ज्ञान सिखाया। तो जब जो गुरु से बड़ा मुझे लगता है कोई नहीं होता। आदमी जब बड़ा कामयाब हो जाता है और गुरु के पास मिलने जाता है, या गुरु कहीं दिखता है, तो अच्छे शिष्य की पहचान, उसका सर अपने आप झुक जाता है। ऐसे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। चूँकि मैं उस समय वो गांव से निकल रहा हूँ जहाँ आज भी मेरे पास अपने गुरुजनों के फ़ोटो नहीं है, नहीं तो मैं भी साझा करता। और भावनाएँ हैं, विचार हैं, शब्द हैं जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और अपने गुरुओं के लिए बस इतना कहता हूँ कि आप गधे को इंसान बनाने वाले हो, आप गधे को इंसान बनाने वाले हो, आप कीचड़ में कमल खिलाने वाले हो। खुदा भी आपकी तारीफ करता है, क्योंकि आप पत्थर को भगवान बनाने वाले हो। तो इन कलाइयों में, गुरुओं की इन हथेलियों में इतनी शक्ति है कि किसी को भी बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श प्रणाम, और सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।